की बहुत ही फेवरेट डिश होती है टिक्के छोला मसाला। और इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसकी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इसको आखिर तक देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए मैंने एक कप छोला लिया था और सूखा मटर उसको भिगो दिया था, और उसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून लिया है सूखी लाल मिर्च पिसा हुआ, और 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, और देगी मिर्च लिया है 1 टीस्पून, और कूटा हुआ मैंने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट कर लिया है, और जिसमें कूटा था उसी में से थोड़ा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और अमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, और ये छोला मसाला है उसको 1 टीस्पून लिया है, और 2 पींच लिया है मीठा सोडा, और इसके साथ मैंने 2 बड़े कप पानी डाल दिया है, और इसको हमें अभी गलाना है। तो हाई फ्लेम पर इसको रखेंगे, अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और 2 कप पानी डालकर हाई फ्लेम पर रखेंगे, और हाई 1 सीटी आने के बाद 10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इतने में हमारा छोला तैयार हो जाएगा, और अगर ज़्यादा देर तक अगर छूट गया तो फिर ये छोला अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ही ज़्यादा गल जाएगा और बहुत जल्दी से ये गल जाता है। तो बहुत ही ध्यान से छोला को बनाएं। और ये मैंने लिया 4 बड़े साइज़ के आलू, और इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, और इसमें लिया है 2-3 चम्मच लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट के लिया है। वो लोग छोला बनाते हैं जो स्ट्रेट फूड बनाते हैं उसमें वो लोग कूट कर यूज़ करते हैं रेडियो पर, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कूटे हुए मसाले का। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच कूटा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च, नमक लिया है 1 टीस्पून, और हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लिया है पीसी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून लिया है देगी मिर्च, अमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, भुना हुआ जीरा लिया है 1/2 टीस्पून। ये भुना हुआ जीरा है तो मैंने 2 बार ले रही हूँ, तो मैंने 1 टीस्पून लिया है, और 2 टीस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, और 2 टीस्पून लिया है चावल का आटा। इससे हमारी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, इसको इसमें ज़रूर डालें। और इसमें लिया है मैंने चाट मसाला, ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, स्पून 1/2 टीस्पून है इसलिए मैं 2 बार ले रही हूँ, काला नमक है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, और ये चाट मसाला है 1/2 टीस्पून, इसको 2 बार मैं ले रही हूँ, जो 1/2 टीस्पून है तो 2 बार मैं ले रही हूँ। हरी धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसमें, और उसके साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगती है कि थोड़ा सा इसमें पुदीना और हरी धनिया दोनों डाला हुआ है, अगर लगता है कि अभी अच्छी तरह से बाइंड नहीं रहा तो थोड़ा सा और भी इसमें चावल का आटा ले सकते हैं। और टिक्की का साइज़ छोटा ही रखना है। तो हमारी टिक्की तैयार हो गई है, छोले को खोल कर देख लेंगे तो इतनी थिकनेस तक है, छोला गल गया है जैसा हमें चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं गला है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा इसको पतला करना होगा क्योंकि वो पतला होता है। तो इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और गैस को ऑन किया है, और इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा चटपटा होना चाहिए। तो इसमें छोला मसाला वापस फिर से डाल दिया है मैंने, 2 टीस्पून छोला मसाला डाल दिया है, और इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने चाट मसाला, और इसको हम पकाना है अभी। तो अपने नमक इसमें डाल दिया है, और इसमें काला नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, और इसमें नमक और मिर्च अगर और भी इसमें ऐड करना तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हैं, और कितना मतलब खट्टा है कितना कम है तो इसमें थोड़ा और डाल सकते हैं। और ये हमारा छोला रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। गैस का फ्लेम लो करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे, और अब टिक्की को हमें फ्राई करना है, तो टिक्की को भी क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करेंगे। अगर थोड़ा सा फ्राई करके रख दें और फिर बाद में जब सर्व करना है तो वापस फिर से इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लें और फिर सर्व करें। तो ये हमारी टिक्की क्रिस्पी होने तक रेडी हो गई है, और अब हमें इसको सर्व करना है। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, जैसे हम रेडियो पर और सड़कों के किनारे जो खड़े होकर हम टिक्की छोला चाट खाते हैं उस तरह से ये टेस्टी चाट बनेगा, और घर में ही बनेगा काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी सफाई के साथ। और ये हमारा छोला है, इसको हम साइड में रखते हैं और एक प्लेट लेते हैं, और प्लेट में रखते हैं टिक्की। ये हमारा छोला तैयार हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिपिडी भी नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने 2 टिक्की डाला है, और इसको इसके साथ मैंने सर्व किया है छोला। तो ये छोला हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा प्याज अभी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हमें छोले में प्याज डालना है, तो इसमें छोले के साथ प्याज नहीं डाला गया है। और इसके साथ मैंने लिया हरी धनिया की चटनी,
और अगर आपको पसंद हो इसमें मीठी चटनी डालना तो मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन यूपी का जो छोला होता है, जो टिक्की छोला मसाला होता है, उसमें मीठी चटनी कम पसंद की जाती है। और लेकिन मैंने बनाया है मीठी चटनी भी, आपको पसंद हो तो मीठी चटनी भी डालें। और दही लिया है मैंने, दही को भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून डाला है मीठी वाली चटनी। इसके साथ लिया है कटा हुआ टमाटर, प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च, इसको ज़रूर डालना है इसमें, इससे इसका टेस्ट आएगा। ऊपर से डालें भुना हुआ जीरा और चाट मसाला, और थोड़ी सी इस पे नमकीन, नमकीन में थोड़ी सी मूँगफली हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी सिंपल भुजिया है। तो इस तरह से हमारा छोला, टिक्की छोला चाट मसाला तैयार हो गया है, जो बहुत ही, टिक्की भी क्रिस्पी है और छोला भी बहुत ही टेस्टी और चटपटा है। और यूपी वाले लोगों को यही वाले चाट पसंद आता है, लेकिन हर जगह इस तरह से चाट नहीं बनाया जाता छोले के साथ, सब जगह डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। तो आज मैंने बनाया यूपी स्टाइल टिक्की छोला चाट मसाला, तो आप इस तरीके से बनाइए। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इस तरीके से अपने घर में बनाएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करें और शेयर करें। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।